हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व पर मारवाड़ मुख्यालय में निकाला फ्लैग मार्च। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन में रहने की दी हिदायत। पाली जिला के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन पर आज सोजत वर्ता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। स्वयं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार, थाना अधिकारी गिरधर सिंह में जाप्ता द्वारा उपखंड मुख्यालय पर पैदल मार्च कर दुकानदारों एवं ग्रामीणों को मास्क लगाने का आह्वान किया एवं सरकारी गाइडलाइन में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहने का आम जन व्यापारी व दुकानदारों को आग्रह किया। साथ ही बिना मास्क परिवहन करने वाले वाहन वालों दुकानदारों के चालान भी काटे गए। गौरतलब रहे कि कोरोना की तीसरी लहर का अलर्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सख्त नजर आ रहा। सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने सोजत सर्कल के सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए व सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने का आह्वान किया। गौरतलब रहे कि जिले में बीते सप्ताह से लगातार कोरोना मरीज बढ़ने से प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं, तो वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार ग्रामीणों को जिले वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग में रहने और मास्क ही उपचार का संदेश देने का आह्वान पुलिस द्वारा किया जा रहा। गौरतलब रहे कि कोरोना महामारी में सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने एक सुंदर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया और कोरोना बचाव जन जागरूकता अभियान में अपना पूर्ण मुस्तैदी तत्परयात के साथ ड्यूटी की जा रही। अभी आजकल आप अखबार पढ़ रहे होंगे और आप देख रहे होंगे सर्दी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर वापस आ रही है, और हम ये नहीं चाह रहे हैं कि मारवाड़ जंक्शन या सोजत में या सोजत सर्किल में जो आते हैं इसमें कहीं कोरोना संक्रमण बढ़े। आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ मारवाड़ जंक्शन और सोजत के लोगों ने बहुत सहयोग हमारे साथ रखा, जिससे हम अन्य क्षेत्रों के बनिस्बत कम संक्रमित हुए थे। अब हम नहीं चाह रहे हैं कि लोग आजकल मास्क के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, तो कल से हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। हमने अभी बहुत सारे लोगों को समझाइश भी की, मास्क भी बांटे हैं, लेकिन अगर कोई लापरवाह आदमी नहीं मान रहा है तो सख्ती से पेश आ रहे हैं, जिससे कि कम से कम उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति संक्रमित नहीं हो। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।